वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और हम लोगों की तरह स्माइल कर रहे होंगे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं खजूरी सलवार की कटिंग। एंड चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम नाप देख लेते हैं खजूरी सलवार का। जो हमारी बेल्ट रहेगी वो 40 इंची और लंबाई है 37 और मोरी रहेंगी वो 12 इंची की रहेंगी। इसी के अकॉर्डिंग हमें बनानी है खजूरी सलवार। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग देख लेते हैं। तो हमें इस कपड़े को सबसे पहले खोलना है और इसे डबल फोल्ड करना है। इसी तरीके से आपको भी डबल फोल्ड करना है। सही से फोल्ड करने के बाद हम यहाँ से निकालेंगे बेल्ट। तो बेल्ट निकालने के लिए हम यहाँ 9.5 इंची पर निशान लगाएंगे, जिसमें हमारी 7 इंची की बेल्ट बनके तैयार होगी। और इस तरफ 1 इंची मार्जिन चला जाएगा, यहाँ पर 1 इंची मार्जिन चला जाएगा और इस साइड हमारी 7 इंची यहाँ पर बेल्ट आएगी और 1.5 इंची का निकलेगा जो फोल्ड करके बनाएंगे बेल्ट। अब यहाँ से हम निशान को ड्रॉ कर लेते हैं सही तरीके से, यहाँ से इसे काट के अलग कर देंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें नापना है कि हमारी बेल्ट की जो पूरी बेल्ट बनी थी वो थी 40 की, तो यहाँ पर करेक्ट 20 आ रहा है। तो यहाँ पर हमें 2 इंची कपड़ा एक्स्ट्रा और इसमें ऐड करना है ताकि हमारी पूरी 40 इंची की बेल्ट बन जाए। और इसे काट के अलग करते हैं। अभी हमने इसे काट के अलग कर लिया है, पूरी बेल्ट हमारी बन के तैयार है। 2 इंची कपड़ा हमें एक्स्ट्रा और जोड़ लेंगे बाद में। तो अब इस कपड़े को बाकी के कपड़े से हमें कली बनानी है। तो पहले मैं डबल फोल्ड किया, उसके बाद इसे 4 फोल्ड करेंगे। इस तरीके से फोल्ड इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा कपड़ा कम जगह में बन जाए। और इसे अपनी तरफ बिछा लेना इसी तरीके से। अब हमें इसकी लेंथ नापनी है, जो हमारी लेंथ थी तो 7 इंची हम बेल्ट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम नापेंगे, लेंथ थी हमारी 37 इंची तो हम 37 पर निशान लगा देंगे। इसके बाद हमें इसमें मोरी के लिए कपड़ा ऐड करना है। तो 3 इंची हम चौड़ी मोरी बनाएंगे, 3 इंची हमने ऐड कर लिया इसमें कपड़ा। यहाँ पर हमारी मोरी 3 इंची की बनके फिट हो जाएंगी। अब इस निशान को पूरे में ड्रॉ कर लेते हैं इसी तरीके से, इसे काट के अलग कर दिया। हमने काट के अलग कर दिया है। अब इसे 2 पार्ट को उठाना है, इधर रखना है। उसके बाद 2 पार्ट को पकड़ के सही से हमें बिछा लेना है। सही से बिछाना है हमें। उसके बाद इस कॉर्नर को उठाकर इस साइड रखना है, यहाँ पर सही से रखने के बाद हमें यहाँ पर मोरी के लिए निशान लगाना है। तो मोरी के लिए हम 8 इंची निशान लगा रहे हैं, तो चलिए 8 इंची पर निशान लगा लेते हैं। उसके बाद 2 इंची इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन होगा, 2 इंची एक्स्ट्रा मार्जिन पर निशान लगा लिया हमने। इसी तरीके से हम दूसरे कॉर्नर पर भी निशान लगा लेंगे। और इस बात का ध्यान रखें कि जो लेंथ थी उसी लेंथ वाले हिस्से में से हमें 4 इंची बचाना है। तो यहाँ हम 4 इंची निशान लगा दिया है। अब इसे खोलकर अलग कर देते हैं। इसी मेथड से आप लोग काटेगा तो बहुत अच्छी कटिंग हो जाएगी। अब हमने इसे काट के अलग कर दिया। इस कॉर्नर को पकड़कर और उस कॉर्नर पर रखना है। और इसे सही से सेट कर लेना है। देखिए इसी तरीके से ये आनी चाहिए लंबाई बिल्कुल दोनों कलियों की सही से। अब हमें यहाँ पर आसन काटना है। तो आसन के लिए हम यहाँ पर 10 इंची काटेंगे। 10 इंची पर मैंने निशान लगा लिया है और इसे काट के अलग कर देते हैं। अब हमें इसमें से निकालनी है मयानी, तो उसके लिए हम इसे डबल फोल्ड करेंगे और इसी तरीके से रखकर और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे काटकर अलग कर देते हैं। और इस साइड भी जो कपड़ा है इसे भी हम सही से काटकर सेट कर लेते हैं। पूरी मयानी बढ़िया सी बना लेनी है। अब हम देखिए यहाँ पर रखेंगे, इस तरीके से हमारी मयानी सेट हो जाएगी।
अब एक काम और है हमारा, ये जो कली है इसे खोलना है हमें। ये जो हमारी चार कलियां बन के तैयार होंगी, दो बैक साइड की, दो फ्रंट साइड की। अब हमारी जो सलवार की कटिंग का फाइनल लुक ये आया है, और हमने ये प्लेट्स इस तरीके से डाल रखी हैं जो सलवार में पड़ेंगी, यहाँ पर फ्रंट पर, और ये वाली इस साइड पड़ेगी, मतलब आधे पोर्शन में आगे वाले में ये आगे की प्लेट्स, यहाँ पर मियानी अटैच हो जाएगी। और इसे खजूरी रूप देने के लिए ये जो हमने प्लेट्स डाली हैं, इन्हीं प्लेट्स को इसी तरीके से बनाकर सिलाई डाल देनी है और इन्हें अटैच कर देना है। तो आपको अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।